आज के वीडियो में हम बात करने वाले इवेंट रिस्क के बारे में कि इवेंट रिस्क क्या होती है और हम इवेंट में रिस्क को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं और यहां से मार्केट में हम बेनिफिट में रह सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं कि अभी क्वार्टर वन का सीजन चल रहा है, अभी कंपनी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट और क्वार्टर वन के नतीजे अनाउंस कर रही है। ऐसे में क्या होता है कि जिन स्टॉक में हमें लगता है कि यहाँ से अच्छी ग्रोथ आ सकती है, इस कंपनी के नतीजे अच्छे आ सकते हैं और जब भी कंपनी के नतीजे अच्छे आते हैं तो उस कंपनी में हमें अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलते हैं। सडनली ये भी देखा जाता है कि स्टॉक्स में 5% 10% 20% तक के अपसाइड के मूव भी हमें देखने को मिलते हैं, या तो जैसे ही रिजल्ट की डेट अनाउंस हो जाती है तो उस समय से ही हमें स्टॉक में अपसाइड का मूवमेंट हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। अब इस मोमेंट को हम किस प्रकार से प्ले कर रहे हो, किस प्रकार से हम यहाँ पे पोजीशन बनाए ताकि हम बेनिफिट में रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है और जो स्टॉक पे हम पोजीशन बना रहे हैं उसका ट्रेंड पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो स्टॉक हमें रिजल्ट के डेट तक हमें अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है, अच्छा मूवमेंट दे सकता है। अब इसमें आती है इवेंट रिस्क की बात। अब कुछ कंपनियाँ होती है जो कि डेरिवेटिव सेगमेंट से बिलोंग करती है, मतलब कि ऐसी कंपनियां जो फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी बिलोंग करती है, और ऐसी कंपनी में अगर हम छोटा सा रिस्क लेके अगर हम बड़े गेन के लिए जा सकते हैं, जैसे कि अभी रिजल्ट का सीजन चल रहा है और अभी जुलाई 15 जुलाई हो चुकी है, ऐसे में कुछ कंपनियां जो डेरिवेटिव सेगमेंट से बिलोंग करती है और ये अपने नतीजे अनाउंसमेंट करेंगी तो हमें जो पास का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन है ये काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। अब अगर हम ऑप्शन के साथ काम करना चाहते हैं और लगता है कि यह कंपनी के नतीजे अच्छे आ सकते हैं और यह कंपनी में हमें 10% 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि उस कंपनी का जो पास का स्ट्राइक प्राइस है उसका हमें कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, या तो अगर लगता है कि कंपनी के नतीजे खराब आ सकते हैं और इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है तो उस कंपनी में हम पास का एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो इवेंट है उस इवेंट को हम प्ले कर रहे हैं, इवेंट को प्ले करने के साथ साथ हमें लगता है कि जो मार्केट में अगर मान लो कि कंपनी के हमारे अकॉर्डिंग नतीजे आते हैं जिससे कि हमने एक्सपेक्ट किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो स्टॉक में सडनली अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा और स्टॉक अगर 5% 10% ग्रोथ दिखाता है तो वो ऑप्शन का प्रीमियम, अगर आपने 5 रुपये का प्रीमियम दिया है यहाँ पे और मार्केट लॉट अगर उसका 1000 रुपये का है तो आपने यहाँ पे 5000 रुपये पे किया है, वो 5000 रुपये के बदले में आपको वहाँ पे 10000 20000 25000 50000 तक का भी आपको गेन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ अगर हम इस रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, वो लगता है कि अगर हमने जो प्रेडिक्ट किया था उस प्रेडिक्ट के विपरीत नतीजे आते हैं तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमने 5 रुपये का ऑप्शन को बाय किया था उसके अपोजिट में हम यहाँ पे 1 या 2 रुपये का प्रीमियम का हम यहाँ पे उसके अपोजिट का हम ऑप्शन ले सकते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पे 5 रुपये का कॉल ऑप्शन बाय किया था तो उसके साथ में हम यहाँ पे 2 रुपये प्रीमियम का एक पुट ऑप्शन को भी हम बाय कर सकते हैं, या तो अगर लगता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है और मार्केट में गिरावट आ सकती है और हम 5 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन को लेते हैं तो उसके अपोजिट में हम यहाँ पे 2 रुपये का एक कॉल ऑप्शन भी हमको यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि अगर नतीजे हमारे विपरीत रह जाते हैं और मार्केट में हमने सोचा था कि मार्केट में तेजी आएंगी और मार्केट में वो तेजी ना आके मार्केट में विपरीत दिशा में आ जाता है तो जो 2 रुपये का आपने प्रीमियम चुकाया था वह ऑप्शन आपको ग्रोथ देगा और आपका रिस्क को मैनेज करेगा। इस प्रकार से क्या होगा कि आपका यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाएगा और आपको यहाँ पे नुकसान से बच भी जाओगे। तो इस प्रकार से आप इवेंट की रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से इवेंट को आप प्ले कर सकते हैं। आप मैं बताऊंगा कि अगर आप NJ1 एप्लीकेशन में ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन में किस प्रकार से ऑर्डर लगा सकते हैं, किस प्रकार से आप पोजीशन बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने NJ1 में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैंने बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा के रखी है, बेस्ट ऑफर्स भी आपके लिए लगा के रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आज अपने डीमैट अकाउंट NJ1 के साथ ओपन करें और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आप ऑप्शन में किस प्रकार से ऑर्डर लगा सकते हैं, किस प्रकार से आप पोजीशन को प्ले कर सकते हैं। NJ1 एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना काफ़ी इजी काफ़ी आसान है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में NJ1 एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे वॉचलिस्ट में आना होता है। जैसे कि हम कोई भी स्टॉक को परचेस करना चाहते हैं तो उस स्टॉक को वॉचलिस्ट में रखना होता है। तो वॉचलिस्ट में हम जैसे भी आते हैं और वॉचलिस्ट में आने के बाद किसी भी स्टॉक को रेंडमली हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि हम कोई स्टॉक को लेना चाहते हैं उसके ऊपर हमें सिंपली क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद नीचे दी गई बाय बटन पर आपको प्रेस करना होता है। जैसे हम बाय बटन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑर्डर विंडो ओपन हो जाती है। जितने भी शेयर हम लेना चाहते हैं उस संख्या मेंशन करनी होगी, उस शेयर का प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हम जिस प्राइस में लेना चाहते हैं, लिमिट में लेना चाहते हैं तो लिमिट में आप उसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। मार्केट में लेना चाहते हैं मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है वो प्राइस में आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप NJ1 एप्लीकेशन के मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसी स्टॉक में फॉरेक्स का मार्जिन मिलता है, आप इसमें भी ले सकते हैं। नीचे दिए गए बाय बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं और ऑर्डर को कन्फर्म करते हैं
तो अभी मार्केट बंद है, इसे हमारा ऑर्डर आफ्टर मार्केट लगेगा, ये सब ऑप्शन पर प्रेस करेंगे हमारा ऑर्डर यहाँ पे लग जाता है। तो इतना ईजी इतना आसान है एंजल वन एप्लीकेशन को यूज़ करना और यहाँ पे काम करना। अगर आपने अभी तक अपना डेबिट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया है तो मैंने बेस्ट ऑफर के साथ फ्री डेबिट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा के रखी है। आज ही अपना डेबिट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, नमस्कार।